हम देखते हैं इस धमाके की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। ग्रैंड बीस्ट और जैनोसामा को भी इस शक्ति का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ये शक्ति तो उन्हीं की लग रही है, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और किसके खिलाफ किया। उनकी इन हरकतों की वजह से बहुत सारे प्लैनेट तबाह हो सकते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू अपने सामने उन गॉड्स के फ्यूजन को देखता है जो अब तक का सबसे ताकतवर फ्यूजन होता है, और उनके ऐसा करने की वजह से आधी पृथ्वी तबाह हो जाती है। इसके बाद हम गोहान, पिकलो और क्रिलिन को देखते हैं जो उस बची हुई आधी पृथ्वी पर होते हैं और वो उस धमाके से बच जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं आखिर ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ताकत, इसने तो पूरी पृथ्वी को हिला दिया। ऐसा लग रहा है कि अर्थ अपनी जगह से हट गया, आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद पिकलो कहता है कहीं ये गोकू और उन गॉड्स के बीच की फाइट की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। गोहान और क्रिलिन को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आधी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। उनको लगता है ये सिर्फ एक बड़ा धमाका था, वो सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो जो नहीं चाहता था वही हो गया था। गोकू को लगता है उसके दोस्त चीची, बुलमा और गोहान मारे जा चुके हैं, आधा अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो गया था, उसका नामो निशान नहीं था। गोकू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद हम उस फ्यूजन को देखते हैं जो कहता है क्या हुआ मोटर, तुम तो पूरी तरीके से ढीले पर गए, क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द बहुत कुछ करने वाली है। लेकिन रुको जरा, ये क्या, ये प्लैनेट तो बच गया, इसे तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हम इसे भी खत्म कर देंगे। गोकू उनकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोकू मन में कहता है अगर मुझे इस प्लेनेट को बचाना है तो मुझे पहले इस पे एक और सिम लगानी होगी, वरना ये बचा हुआ भी प्लेनेट हमारी फाइट की वजह से तबाह हो जाएगा। इसके बाद गोकू उस बची हुई पृथ्वी पे अपनी शक्ति से एक और सील बना देता है, और ये सील पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि गोकू जान चुका था कि बहुत ही बुरा होने वाला है और उनकी फाइट की वजह से बहुत सारे प्लेनेट भी तबाह हो सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा करता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो फ्यूजन को देखता है और कहता है आखिर ये क्या है, इनकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, इनकी ताकत की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। इसके बाद फ्यूजन कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ मोटर, अब तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि उस लायक यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो फ्यूजन गोकू पे अटैक कर देते हैं और ये अटैक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होता है और गोकू बहुत ही मुश्किल से इससे बच पाता है, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। गोकू ये देखकर कहता है इनकी स्पीड तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने किया है मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी पूरी ही ताकत क्यों न इस्तेमाल करनी पड़े, मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है, तभी फ्यूजन गोकू पर अटैक कर देते हैं और उस पे एक जोरदार पंच करते हैं। गोकू उस अटैक से नहीं बच पाता क्योंकि वो हमला अचानक हुआ होता है। गोकू उस पंच की वजह से स्पेस में बहुत दूर चला जाता है। तभी फ्यूजन बड़ी स्पीड से गोकू के पास पहुंच जाता है और गोकू को एक किक कर देता है। गोकू बिल्कुल समझ नहीं पाता आखिर ये क्या हुआ, और गोकू को वो किक बहुत जोरदार का लगता है जिस वजह से गोकू चिल्लाने लगता है। फ्यूजन कहते हैं क्या हुआ मोटर, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो चलो मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। गोकू कहता है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता, मुझे किसी भी हाल में जीतना होगा, अगर मैं हार गया तो ब्रोली को कौन बचाएगा और मुझे अपने दोस्तों को भी बचाना है, लेकिन ये पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर मुझे इसे हराना है तो अपनी और भी ज्यादा पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर मैंने ऐसा किया तो कई प्लेनेट और तबाह हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ। इसके बाद फ्यूजन कहते हैं क्या हुआ मोटर, तुम्हारी तो सारी अकल निकल गई, अब तुम बोलो तुम हमें मारोगे या हम तुम्हें मारे, लेकिन तुम हमें मारोगे कैसे, तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, चलो हमें तुम्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की, लेकिन तुम तो अभी मरने वाले हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी मारे जाओगे, क्या हम तुम पर एक एहसान करें जिससे हमें अपनी थोड़ी पावर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, तुम्हें मरने से पहले हम तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को तबाह कर देते हैं जो ये प्लेनेट है, क्योंकि तुम्हारे इसमें बहुत सारे दोस्त है ना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, ऊपर तुम्हारा मन लगा रहेगा और इससे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी, वरना तुम इस आधी दुनिया का भी काम अपने साथ ले जाओगे, तो चलो पहले इस अधूरे काम को ही पूरा करते हैं, फिर इस बची हुई अर्थ को तबाह कर देते हैं, वैसे भी हम किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते,
इसके बाद फ्यूजन हंसने लगते हैं और उस अर्थ की तरफ अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देते हैं और वो अटैक बहुत ही स्पीड से अर्थ की तरफ चला जाता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना सोचे समझे अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। फ्यूजन ये देख कर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू पूरी तरीके से बुखला जाता है और वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है। इसके बाद हम उस अटैक को देखते हैं जो पृथ्वी से टकरा जाता है और एक और बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं अर्थ को कुछ नहीं होता, वो इस बारी बच जाता है। गोकू की शील्ड की वजह से अर्थ को कुछ भी नहीं होता। फ्यूजन ये देखकर कहते हैं, आखिर ये इस बार तबाह क्यों नहीं हुआ? इसका तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। आखिर ये क्या हुआ? ये प्लैनेट बच कैसे गया? और गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाता ही रहता है जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और कई सारे प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। और गोकू बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसको ऐसा करने की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है और वो उस मुसीबत से बिल्कुल अनजान था।